हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? जय साई राम। मैं आज आपको अपने बेडरूम का बताने वाली हूँ, बिफोर एंड आफ्टर मैंने उसे कैसे साफ किया। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसे क्लीन करने का, बट कैसे जॉब कॉन कॉल्स रहता है, अभी वर्क फ्रॉम होम शुरू है, सो उसमें कॉन कॉल्स रहता है तो वो अटेंड करना पड़ता है एंड काफ़ी सारे काम्स रहते हैं जिस वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। बड़ा संडे था तो मैंने सोचा कि मैं इसे कर लेती हूँ, आज मेरे पास टाइम ही टाइम था। तो देखिएगा, मैंने मेरा बिफोर वाला भी वीडियो शेयर करूँगी, आफ्टर वाला भी है, तो उसमें मुझे बताइएगा कि क्या गलत हुआ है और क्या सही हुआ और मैंने क्या चेंजेस किया है। सो प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस है जल्दी जल्दी आपको मिले। सो आइए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम बेडरूम में एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करने के बाद देखिए सारा सामान कैसा बिखरा सा पड़ा हुआ है, कोई भी जगह पे सेट नहीं है, सब पूरा मैशी मैशी लग रहा है, एक भी सामान जगह पे प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है, इतना गंदा गंदा सा दिख रहा है। देखिए आप खुद ही, हमारा एंट्रेंस था। सो अब देखिए मैंने आफ्टर इसे कैसा डिज़ाइन किया है, डेकोरेट किया था। सो ये हमारा एंट्रेंस था और सेम देखिए हमें मैंने कितना डिफरेंस चेंज किया है, पहले वो कुछ और दिख रहा था एंड अब कुछ और दिख रहा है। एंड सॉरी गाइज, ये जो वीडियो आप देख रहे हो अभी, इसमें मुझे हॉरिजॉन्टल पे शूट करना था, बट मेरे ध्यान में ही नहीं रहा, मैं इसे वर्टिकल में शूट कर रही थी। बाद में जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो मुझे याद आया कि हाँ ना, मुझे वर्टिकल में शूट करना था, सॉरी हॉरिजॉन्टल में शूट करना था। सो ये देखिए अभी मैंने किस तरीके से प्रॉपर सेट करके रखा है, सारा अरेंज करके रखा है, अलमारी एक जगह आ गई, ड्रेसिंग एक जगह आ गया और बाकी सब चीज़ें एक जगह आ गई। तो अभी पूरा मेरा रूम है जो नीट एंड क्लीन लग रहा है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पहले से तो काफ़ी बेटर लग रहा है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट वो मुझसे हो ही नहीं रहा था, तो फाइनली ये कर लिया मैंने। वैसे तो ये संडे का शूट है बट मुझसे थोड़ा लेट हो गया एडिटिंग के लिए, एक्चुअली थोड़ा सीख रही हूँ मैं तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है एडिटिंग के लिए। सो प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिले। सो देखिए ये कैसे दिख रहा है अभी आपको, आपको भी शायद ये क्लीन लग रहा होगा अभी। वैसे मैं चेंजेस करते रहती हूँ हर कुछ दिनों में, बट ये अभी मैं काफ़ी टाइम से चेंजेस नहीं कर पाई थी, तो ये बहुत दिनों के बाद चेंज किया है, अभी थोड़ा टाइम मिला था मुझे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अभी पहले से तो बेटर ही लग रहा है आई थिंक। सो अब देखिए, मैं पूरा काम वाम करने के बाद बहुत थक गई थी, फिर मैं फ्रेश होकर आई, मतलब नहा के आई, तो मैं रेडी हो रही थी थोड़ा सा, तो मैं आप लोग का स्माइल भी कर रही थी। तो ये देखिए अभी मैं थोड़ा तैयारी कर रही थी अपनी, तो मैं ऐसे वीडियो शूट करने के लिए रख दिया था। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि पहले वाला जो था मेरा रूम उससे तो बेटर ही मैंने अभी पूरा सेटअप किया है, वो पहले वाला तो बहुत गंदा लग रहा था लिटरली। सो अभी वाला आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड देखिए मैं पूरा फ्रेश व्रेश होने के बाद बाल वगैरह अपने बना रही थी, और मेरे बालों को देखो कैसे आड़े टेढ़े हो गए। एक्चुअली मैं घर पे रहती हूँ तो बन बना के ही रखती हूँ मोस्टली टाइम, और अभी भी मैं बन ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे बन बना के रखने से ना बहुत फ्री लगता है और मैं फटाक से कर भी लेती हूँ, इसलिए तो मेरा मोस्टली टाइम मैं बन बना के ही रखती हूँ। एंड मेरा ये जो कलर है वो मैंने पिकॉक ग्रीन कलर किया था, बट अभी देखो वो थोड़ा लाइट लाइट होते जा रहा है। सो यहाँ तक का वीडियो था, तो कैसा लगा होगा आपको ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा बेडरूम का, मैंने जो क्लीन किया है बेडरूम्स को, बिफोर आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से पूरा मैशी मैशी लग रहा था, और आफ्टर मैंने उसे किस तरीके से सेटअप किया है और कितने सारे चेंजेस किए हैं उसमें। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मेरी देखने के लिए मिले। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, जय साईं राम।